जोहार दीपक, और आज हम आ चुके हैं भाई के चैनल पे। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई जो है बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उड़ीसा के आने वाले टाइम पूरे उड़ीसा के एक एक कोना कोना जो है भाई दिखाने वाले। मेरे जितने व्यूअर आप देख रहे हैं इनको, तो इनको सब्सक्राइब करिए। सो गाइस, आज हसदेव को बचाते हसदेव को हम लोग यहाँ बचाने आए हैं, हसदेव आंदोलन यहाँ पे चलाने आए हैं। और हसदेव आंदोलन चलाते चलाते मैं आप लोग को किस से मिल जाऊँ थोड़ा आप लोग को दिखा देता हूँ। लेकिन जय जोहार नव दीपक, और आज हम आ चुके हैं भाई के चैनल पे। पर अभी हम हैं रिवर व्यू में, बिलासपुर के रिवर व्यू में, और हम लोग अभी आए हैं हसदेव आंदोलन की रैली में। तो यहाँ पर भाई से मिले हैं, बहुत बहुत थैंक यू भाई। और ये हसदेव जो रैली है उसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि भाई हमसे मिले हैं। अरे इसमें तो वो ही नहीं है यार। नहीं खोल दिया, नहीं मेरा माइक सही है, वो खराब हो गया इसलिए खोल दिया। नहीं सही है ना, मोबाइल का सही है। अच्छा मोबाइल का सही है। तो अभी हम लोग हसदेव का रैली के लिए आए हैं। तो कोरबा है, कोरबा के कोरबा सरगुजा के बॉर्डर में यहाँ पर पस्सा स्टेट केते बासन के नाम से एक खदान खुल रहा है, जो अडानी कंपनी के द्वारा खोला जा रहा है। और उसको लगातार एक्सटेंशन के तहत जो है कई लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। उसी के विद्रोह में विरोध में है हम लोग, कि ये पेड़ नहीं कटना चाहिए। यहाँ पर जो है जो जंगल है वो नहीं कटना चाहिए, वहाँ पे जो आदिवासी हैं वो विस्थापित ना हो पाए, इसके लिए हम विरोध कर रहे हैं कि ये जंगल नहीं कटना चाहिए। और अगर ये जंगल कट जाता है तो आने वाले टाइम पे बहुत सारा संकट जो है छत्तीसगढ़ के ऊपर, हमारे ऊपर, खासकर हमारे ऊपर, क्योंकि हम बिलासपुर से हैं, तो उसके ऊपर भी आने वाला है। क्यों आने वाला है? कि जो अरिहन नदी है जो कूटाघाट डैम में आता है, वहाँ का पानी जो है, कूटाघाट का जो पानी है वो आने वाले टाइम पे बिलासपुर में आने हैं अमृत मिशन के तहत। तो अगर वहाँ का पानी जो है, वहाँ का नदी अगर सूखता है, नदी में पानी कैसे रहता है, वो जंगलों से पानी आता है, नदियों से पानी जो है, नदियों के थ्रू जो है वो हमारे तक पहुँचता है, तो वो अगर कहीं ना कहीं ब्रेक होता है, सूख जाता है, तो बहुत बड़ा तकलीफ होने वाला है आगे, बहुत प्रॉब्लम हम लोग फेस करने वाले हैं। तो गाइस, सब जितने भी यूट्यूबर हैं छत्तीसगढ़ के बाहर से भी जो लोग हैं, उन लोग को हम लोग यहाँ से बिलासपुर से बताना चाहेंगे, हसदेव की तरफ से बताना चाहेंगे कि हमारे साथ जुड़िए और हसदेव के बारे में दिखाइए, थोड़ा बहुत दिखाइए कि हसदेव कैसे संकट में है, हसदेव के आदिवासी कैसे संकट में है। आप लोग के द्वारा ये ज़्यादा मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ तक ये पहुँच सकता है। और भाई जो है मेरे फुटेज जो है आप दिखा देना। हाँ। और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ के जंगल कट रहे हैं। भैया का चैनल में जाना, DK808 सर्च करना, देखना कि हसदेव में वो जब आंदोलन चल रहा था उस टाइम वहाँ पे पूरा रुक गए थे, वहाँ पे पूरा दिखा रहे थे कि वहाँ का प्रॉब्लम क्या है। तो भैया के चैनल पे जाके आप लोग सब्सक्राइब करना, भैया के चैनल जाके आप लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उड़ीसा के आने वाले टाइम पूरे उड़ीसा के एक एक कोना कोना जो है भाई दिखाने वाले हैं। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे जितने व्यूअर आप देख रहे हैं इनको, तो इनको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू भैया, थैंक यू।